तो अब फ्रेशर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जो चीज़ें मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी वो आई ट्राई टू टेल, ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। पीटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ लुक द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। वो सबसे ज़्यादा आपको बताते हैं कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1-2 महीने आप इसको अच्छे से करना चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी, जो आपका बेस बनाती हैं। तो एनसीईआरटी को कभी मिस नहीं करना। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो एनसीईआरटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टार्टिंग में आपका बेस डेवलप करने के लिए। और स्टार्टिंग में एक मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि अननेसेसरी न्यूज़पेपर्स पे और बाकी चीज़ों पे टाइम स्पेंड करते हैं। होता क्या है कि उस टाइम पे यू नेवर नो कि उसमें से क्या चीज़ें पिकअप करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो माई एडवाइस इज़ कि स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर को रीडिंग के लिए पढ़ना चाहिए। एज सच आप बहुत ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड नहीं करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को कवर अप करिए जल्दी से, क्योंकि स्टैटिक पार्ट वहाँ फिनिश होता है। तो एक बार स्टैटिक पार्ट जब आपका कवर हो जाएगा उसके बाद आप बाकी चीज़ों को कर सकते हैं। तो और अब प्रीलिम्स का जो है, अभी आप अगर पेपर्स देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द करंट अफेयर्स, जो डायनेमिक पार्ट है प्रीलिम्स का, वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार स्टैटिक पार्ट आप कवर कर लेते हैं उसके बाद फोकस ऑन द डायनेमिक पार्ट। क्या होता है कि बिना स्टैटिक के आप वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, मैं एडिटोरियल्स के लिए हिंदू पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस में मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स कवर हो जाती थी और हिंदू से मैं एडिटोरियल कवर करता था। बाकी साथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, ब्रेकेजेस होते हैं। उसके लिए मैं क्या करता था कि एक कोई मैगज़ीन आप ले सकते हो, क्या करते हो कि जैसे विजन है या इंसाइट्स है, मल्टीपल मैगज़ीन्स आर देयर, बट उसमें कंटेंट एक ही होता है। तो इंस्टेड ऑफ़ गोइंग बहुत सारी मैगजीन्स का, व्हाट यू डू इज़ फिक्स टू अ सिंगल मैगज़ीन, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, तो उसमें करंट अफेयर्स कवर अप हो जाता है। तो ये चीज़ तो हो गया नॉलेज के उससे। मेन पीटी में आपको जो हेल्प करता है वहाँ पे, वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग हेल्प करती है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर से आएगी। आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे तो प्रीलिम्स के पेपर में वहाँ पे आपको 40-45 क्वेश्चंस के बाद किसी को भी नहीं आता एग्जैक्टली कि जो उसने पढ़ा है या वो किया है। तो वहाँ पे आपको जो आपकी नॉलेज आपने गेन किया है उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी और उसका एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही बेस्ट कर सकते हैं। तो उस पर आप मेन फोकस रखिएगा प्रीलिम्स में, क्योंकि वही चीज़ आपको हेल्प करेगी वहाँ पर प्रीलिम्स के लिए। अब प्रीलिम्स में एक और चीज़ होती है, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। वहाँ पे बच्चे कुछ कुछ होते हैं कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कोई कहते हैं कि 70-60, कोई लोग कहते हैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आप मैं पेपर के हिसाब से वैसे तो क्वेश्चंस को एडजस्ट करना चाहिए। मैंने क्या करता था कि स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में मेरे 90-92 अटेम्प्ट रहते थे ज़्यादातर का पेपर, वो स्टफ, तो मेरा ऑटोमेटिकली इट केम डाउन टू 84। तो इससे क्या है कि वहाँ पे जाके आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा तो आपको रिस्क बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं बढ़ाओगे तो आपका जो है स्कोर ऊपर होने का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप रिस्क पे फोकस करिए, बस कैलकुलेटेड रिस्क पे, उसको आपको जितना हो सके वो करना है, काम करना है। ये यूपी, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। और बुक लिस्ट अगर आप बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो एनसीईआरटी तो कवर करनी है जो मैंने बताया, उसके साथ एक आप रेफरेंस बुक कोई एक एक ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ अ वेरी गुड बुक, डिटेल्ड आपको नोट्स उसमें मिल जाते हैं। बाकी एनसीईआरटी से कवर करेंगे तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ वेरी, आपको पेज टू पेज आपको पूरा बाय हार्ट करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह है, बट उसमें इतना अच्छे से नहीं दिया है। मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी, बट उससे अच्छा श्रीराम सर के नोट्स हैं, वो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है इकोनॉमिक्स, तो वो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज़ जो हैं वो सफिशेंट हो जाती हैं। उसके अलावा जे सी लियोंग है एक बुक, वो भी आपको हेल्प करती है।
ज्योग्राफी में। तो ये हो गया एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा कोई बुक्स पे फोकस मत करिए, जो करंट चल रहा है उसको कवर अप करने का ट्राई कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड पेज में ये चीज़ें कवर करता है। साथ में आप जो रीसेंट इवेंट्स हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, वो काफ़ी आपको हेल्प करता है। तो ये प्रीलिम्स से रिलेटेड है। नाउ विल कम टू द मेंस पार्ट। मेंस ऐसा वो है जहाँ पे मैंने कई बार फॉल्टर किया है। 2 14 15 अटेम्प्ट में आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर मेंस। तो मुझे जब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया तो आई सैट एंड आई वॉज थिंकिंग के मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मैं मेंस नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो आई रियलाइज़ कि मेंस में जब आप आंसर लिखते हो तो आपके पास एक तो कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट के साथ आपका आंसर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर आना चाहिए, आप डाइवर्स डोमेन्स में आपको आंसर लिखने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। अब मेंस के लिए खासकर आपको क्या करना है कि मैंने क्या किया था कि आप सिलेबस लीजिए मेंस का, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो उसके जो पॉइंट्स हैं सिलेबस में, आप उनको पिक करके पहले उसका स्टैटिक पार्ट जो है वो कवर करिए। जैसे पेपर 2 में हम बात करें, पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो गया, एनजीओ सिविल सोसाइटीज़ हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो इनके जो बेसिक चीज़ें, जैसे सिविल सोसाइटी है उसका क्या रोल है, उसका क्या इशू है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये स्टैटिक पार्ट एक बार आप क्या करिए कि एक अलग अलग कॉपीज़ बना लीजिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की। उसमें आप लिखेंगे तो वो चीज़ काफ़ी आपको हेल्प करेगी, स्टैटिक पार्ट आपका कवर हो जाएगा। फिर आता है जो करंट पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी में क्वेश्चंस पूछते हैं। जो आज के टाइम पे इशू बेस्ड यूपीएससी में आप प्रीवियस एग्जरसाइज अगर पेपर्स देखेंगे तो वो उस हिसाब से पूछते हैं। तो उसके लिए आपको करंट नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने जो देखा है, मेरा 636 स्कोर था फर्स्ट मेंस में। तो फर्स्ट मेंस में कट ऑफ 678 के अराउंड गया था, 636 था, और मेरा इस साल स्कोर 893 है। तो 636 से आप मूव टू 893, तो अराउंड 7 8 250 मार्क्स का जंप है। तो उसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेस जो है वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने सिलेबस पे स्टिक टू द सिलेबस, उसका स्टैटिक पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर करिए, और जो इश्यूज हैं उनके नोट्स बनाइए। मेरे पास यहाँ पे कुछ नोट्स भी हैं, तो आई ट्राई टू शो यू कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि नोट्स में होता ये है कि नोट्स जब आप बनाते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप बहुत कुछ लिख लेते हो, उसके बाद उसे रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इफ़ इट इज़ विजिबल, आई ट्राई टू शो यू कि नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। आप अगर ये देखेंगे तो ये मेरा एक इशू है, शुड बेटिंग बी लीगलाइज्ड। अब इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसमें मैंने क्या किया है कि बेनिफिट्स क्या हैं उसके, और उसके बुलेट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं उसके। प्रॉब्लम्स में मैंने बेसिक वो दिखाए हैं, उसके बाद आप रेगुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, और कमीशन की रिपोर्ट क्या है। तो इस तरीके से देखिए आप नोट्स, मैंने ये एक A4 का 1/3 पेपर है। तो इसमें क्या होता है कि आप पूरा एक इशू आपका सिर्फ 1/3 ऑफ A4 में आपका कवर हो जा रहा है। तो आपको यही करना है कि कंसाइज आप नोट्स किस तरीके से बनाएं। अब इस वाले पेपर पे 3 इश्यूज कवर्ड हैं बेसिक, एक शुड बेटिंग बी लीगलाइज, DNA टेक्नोलॉजी, और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो ये 3 टॉपिक्स मेरे कवर हैं इस एक A4 पे। तो अगर आपको ये आपको नोट्स बनाने का तरीका आ जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको बुलेट्स पॉइंट जब पता होंगे तो आप अच्छे से उनको यूटिलाइज कर सकते हो, वहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि व्हाट यू कैन, इट्स नॉट विजिबल आई नो, बट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ यू शुड मेक योर नोट्स। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पैराग्राफ्स और वो सब नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस तरीके से मतलब अननेसेसरी नहीं लिख के यू शुड फोकस ऑन द बुलेट पॉइंट्स। अब दूसरी एक चीज़ आती है कि आप क्या होता है कि जब आप आंसर लिखते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन में से सोचते हो, तो हमेशा अपने माइंड को एक ब्रॉड डायमेंशंस में सोचने का एक उसका वो बना लेना चाहिए जब आंसर्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज़ के कोई इशू है, न्यू इंडिया फॉर एग्जांपल ले लें,
क्या होता है कि हम कुछ एक स्पेसिफिक डोमेन्स में अपने आंसर्स लिखने लगते हैं। तो आप जो ब्रॉड डोमेन्स होती हैं ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नेंस की, इसमें आप अपने माइंड को इस तरीके से फ्रेम करिए कि आपको उस उन उन ब्रॉड डिमेंशंस में आपका आंसर आए। उससे क्या होता है, आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सपोज उसका था, जैसे कि एक अप्रोच मेरी क्या रहती थी, स्टेक होल्डर्स की रहती थी, कि अगर कोई क्वेश्चन आया है तो इंस्टेड ऑफ रैंडम जंबलिंग मैं क्या करता था कि उस क्वेश्चन के स्टेक होल्डर्स मैं डिफाइन कर लेता था। फॉर एग्जांपल एनपीएस हो गया, तो एनपीए का इशू आता है अगर, तो मैं एनपीएस में क्या करता था कि एनपीए के कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, बैंक्स हो गया, उसके बाद कंपनीज हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद रेगुलेटर हो गया। तो अगर इसको इशू को लिखना है तो रैंडम जंबलिंग्स की जगह आप क्या करते हो, बैंक्स के साथ क्या इशू है, रेगुलेटर्स के साथ क्या इशू है, गवर्नमेंट के साथ क्या इशू है, इस तरीके से आप प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हो। उससे क्या होता है, आपके पॉइंट्स भी जनरेट होते हैं और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये एक आंसर राइटिंग का मेरा मेन फोकस जहाँ पे था वो ये था। और साथ में क्या था कि जब स्टार्टिंग में आप आते हैं तो सैटरडे संडेज को आप एक दो दिन आप आंसर राइटिंग कर लो, 1 घंटे 2 1 घंटे 2 घंटे, बट मेन फोकस आप क्या रखा करो, जब प्रीलिम्स के बाद आपका जो टाइम मिलता है। मैं क्या करता था, एवरी डे आई यूज़ टू सिट फॉर 1 आवर और 7 क्वेश्चंस आई यूज़ टू राइट। मेरा ग्रुप था, उनके साथ सबके साथ बैठ के मैं लिखता था। तो वो क्या करता है, आपको काफ़ी हेल्प करता है, आप डिस्कस कर सकते हो उसके बाद थोड़ी सब लोगों से। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू के लिए टिप्स का तो यही है कि नॉलेज और ये चीज़ें तो दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज़ योर पर्सनैलिटी। सो जो भी आप हो वहाँ पे आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। आई फील के क्या होता है कि हर एक पर्सन में एक कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, उसकी कुछ खूबी होती है, वो इंडिविजुअलिटी आपको उनके सामने रखनी होती है। कुछ ट्रेड्स जो हैं सर का, जिनसे मैं मिला, उन्होंने जो बताया और मैंने भी फील किया, जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आई थिंक इज़ योर कॉन्फिडेंस, योर डिसाइसिवनेस, योर ओपिनियन, योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, योर एक्सप्रेशन। दीज आर थिंग्स जो कि जिस पे आपको वर्क करना चाहिए।